मंदसौर जिले के जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक मॉडल की सीटी स्कैन मशीन का हुई प्रारंभ। मंदसौर जिला चिकित्सालय पर बहुत ही लंबे समय से प्रकाशित सीटी स्कैन मशीन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसको लेकर सरकार के राज्य सरकार के स्तर पर लंबी ध्वज है। गुना से चलकर आने वाली मशीन जो वहां स्थगित नहीं हो रही थी, वो मशीन मंदसौर के लिए स्थगित कर दी गई थी, वहां नहीं आ पाई थी। फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, फिर एक अत्याधुनिक मॉडल सिटी उसके मशीन की स्वीकृति प्राप्त हुई। मंदसौर विधानसभा के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले मरीजों को सीटी स्कैन का भुगतान मैं अपनी स्वेच्छानुदान मद से करूंगा। संवाददाता मनोज राव की रिपोर्ट। राज्य सरकार के स्तर पर लंबी जद्दोजहद करना पड़ी। गुना से चलकर के आने वाली सीटी स्कैन मशीन जो वहां पर स्थापित होने वाली थी नहीं हो पा रही थी, उसको मंदसौर के लिए आवंटित कर दी गई थी, लेकिन बीच में व्यवधान खड़ा हुआ और कतिपय कारणों से वो गुना वाली मशीन नहीं आ पाई। लेकिन फिर जब लगातार पत्राचार किए गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया, तो एक नए अत्याधुनिक मॉडल की हमको सीटी स्कैन मशीन की स्वीकृति प्राप्त हुई और आज वो स्थापित भी हो गई है। प्रसन्नता इस बात की भी है कि मंदसौर का जो जिला चिकित्सालय का जो आदित्य ओपीडी परिसर है, उसी में मेडिकेयर के द्वारा पूर्व में पीपीपी मोड पर चलने वाला वह परिसर जहाँ पर ऑलरेडी सीटी स्कैन मशीन का एक कंसेप्ट स्थापित था, उसी भवन को हमने उपयोग में लेते हुए आज सीटी स्कैन की स्थापना कर दी है। वास्तव में जहाँ एक और बड़े बड़े महानगरों में सीटी स्कैन मशीन नहीं है, और जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीसी में बैठा था, तब मध्य प्रदेश के करीब 35 जिलों से विधायकों ने मांग रखी थी कि हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन स्वीकृत की जाए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि मंदसौर को यह अवसर और लाभ प्राप्त हो गया। मैं इस अवसर पर कोविड के जो पेशेंट हैं, कोविड के जो मरीज भर्ती हैं जिला चिकित्सालय में, उनको लेकर के घोषणा करना चाहता हूं कि वे मरीज जो मेरी विधानसभा क्षेत्र के हैं, जिनको मैं विधायक स्वेच्छा अनुदान से कुछ राशि दे सकूं, वो मेरा अधिकार है और मेरा कर्तव्य भी है। उसको लेकर के मैं चिकित्सकों की पर्ची पर मेरी विधानसभा क्षेत्र के निवासी जिसको कोविड के दौरान वे भर्ती हैं और उनको चिकित्सक सीटी स्कैन के लिए लिख रहे हैं, ऐसे मरीजों को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, बीपीएल का उनका कूपन है, डॉक्टर की पर्ची और भर्ती मरीज का मुझे दिखाना पड़ेगा और मैं उनको विधायक स्वेच्छानुदान से सीटी स्कैन मशीन कराने का पेमेंट भुगतान करूंगा ताकि उनको एक मदद मिल जाए। इस मशीन से निश्चित से मंदसौर नीमच जिले को लाभ मिलेगा।